हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ लिटिल मिलेट रेसिपी शेयर करूंगी। इसको मोरैया भी बोलते हैं, मरैयो भी बोलते हैं, समा चावल भी बोलते हैं। तो आपके सिटी में इसको किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हेल्दी है, सबसे हेल्दी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक कप मोरैया लिया है। फिर इसको अच्छे से साफ करके धो देना है 2-3 पानी से। फिर इसको आधा घंटे के लिए भिगा के रख देना है। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो घी का यूज कर सकते हैं। फिर मैंने उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक डाला है। उसके बाद मैंने एक कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को अच्छे से भुन जाने के बाद उसमें मैंने 1 पिंच हींग डाला हुआ है। फिर एक कटा हुआ टमाटर डाला है। टमाटर हमको जब तक सॉफ्ट होते हैं तब तक पकाना है उसको। फिर मैंने नमक ऐड किया है उसमें। सब्जियां इसमें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए हैं, नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। मसाला पकने के बाद हम इसमें अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मटर ऐड किए हुए हैं, फ्रोजन मटर ऐड किए हैं मैंने। फिर मैंने एक बॉयल आलू इसमें डाला हुआ है। फिर सब्जियों को अच्छे से पकने देंगे। मटर जब सॉफ्ट हो जाए तब तक पकाना है इनको धीमी आंच पे 5 मिनट तक। जब हमारे मटर सॉफ्ट हो जाए फिर हमको इसमें मोरैया ऐड कर देना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। मोरैया पकने में थोड़ा ज्यादा पानी लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 कप मोरैया लिया था, तो मैंने इसमें 3 कप पानी ऐड किया हुआ है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी लेते हैं। अगर आप पुलाव बना रहे हैं तो पानी कम ऐड कीजिएगा। फिर इसको धीमी आंच पे 15 मिनट्स के लिए पका लेना है और बीच बीच में इसको हिला देना है क्योंकि ये कढ़ाई पे चिपक जाता है। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको डिनर में पका सकते हैं या लंच में भी बना सकते हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट रेसिपी है आपको। ये ग्लूटेन फ्री होता है और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो भी इसको इजीली ले सकते हैं। ये देखिए खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है, बहुत ही हेल्दी होती है। इसको आपको जिस तरह से इसको रखना है, इसको लिक्विड फॉर्म में रखना है आपको, थोड़ा गाढ़ा रखना है, उस तरह से आप इसमें इसको पका दीजिएगा। फिर इसको सर्व कर लेंगे। इसमें फिर घी ऐड कर देंगे, घी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। फिर आप इसको दही के साथ खाइए, छाछ के साथ या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की हेल्दी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऊपर से इसमें दही, मैंने दही के साथ सर्व किया है। इसमें हरा धनिया डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। थैंक यू।